आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। मैं अपने पूरे लेक्चर्स में प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करूँगा, काफ़ी इजी बुक है और मेरे ख्याल से आप लोग भी यही बुक रिफ़र कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यूनिट वन के इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रकाशन केंद्र की बुक में सेकंड चैप्टर है। ये चैप्टर मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इजी है। मैं जब अपना बीएससी कर रहा था तो फर्स्ट डे इसी चैप्टर के साथ स्टार्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैंने बीएससी केकेवी से किया है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आप लोग बीएससी किस कॉलेज से कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसकी हेल्प से आप इजीली समझ जाएंगे। सो मैं कुछ लिमिट्स लिख रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स वन लॉग वन माइनस एक्स ओवर कॉट पाई एक्स। थर्ड, लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स पाई बाय टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। फोर्थ, लिमिट x tends towards 0 x log x। fifth, limit x tends towards 0 log x raised to power x। sixth, limit x tends towards 0 sin x raised to power 10x। 7th, limit x tends towards 0 1 plus x raised to power 1 over x। ओके, सो पहली लिमिट में देखिए, अगर हम x tends towards 0 करते हैं तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा e raised to power 0 जो कि 1 हो जाएगा, 1 minus 1 0, यानी कि 0 upon 0 वाला फॉर्म है फर्स्ट। सेकेंड लिमिट भी देखिए, लिमिट है हमारा x tends towards 1, ओके। सो जो न्यूमरेटर में log 1 माइनस एक्स है क्या हो जाएगा, log 0, और आपको पता है log 0 के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी, ओके। सो न्यूमरेटर में आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर क्या है, cot पाई x, जब x या 1 रखेंगे आपको क्या मिलेगा, cot पाई, जो कि क्या होता है, इन्फिनिटी, ओके। सो सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का फॉर्म। थर्ड में आपका लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स पाई बाय टू, ओके। सेक पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी, एंड टेन पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टूवर्ड्स जीरो, सो एक्स आपका जीरो इंटू लॉग जीरो, लॉग जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, सो आपका जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। फिफ्थ देखिए, एक्स टेंड्स टूवर्ड्स जीरो है, लॉग जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और रेस्ट पावर एक्स है, सो इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो फॉर्म है। सिक्स्थ, एक्स टेंड्स टूवर्ड्स जीरो है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और टेन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, सो जीरो रेस्ट पावर जीरो फॉर्म है। सेवन्थ देखिए, एक्स टेंड्स टूवर्ड्स जीरो है, ओके, सो वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, वन, और रेस्ट पावर है वन ओवर एक्स, सो क्या हो जाएगा, वन ओवर जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। सो ये आपका क्या है, वन रेस्ट पावर इन्फिनिटी है, ओके। सो ये हमारे जो सातों हैं क्या कहलाते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ओके। सो इसे मैं एक साथ लिख देता हूँ। फर्स्ट है हमारा जीरो ओवर जीरो, सेकेंड है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, थर्ड है हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ हमारा जीरो इंटू इन्फिनिटी, फिफ्थ हमारा इन्फिनिटी रेस्ट पावर जीरो, सिक्स है हमारा जीरो रेस्ट पावर जीरो,
एंड सेवन्थ हमारा 1^n। ओके सो ये हमारे क्या हो गए हैं 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। सो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। ओके उन मेथड्स को हम अगले आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अभी आप पहले इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म से थोड़ा वाकिफ हो जाइए। ओके सो इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में सबसे कंफ्यूजिंग क्या होता है 1^n। ओके सबको क्या लगता है ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और मैं यहाँ बताने वाला हूँ 1^n डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब कि ये 1 नहीं होता। कैसे नहीं तो मैं समझाता हूँ। सो हमारे पास है 1^n। ओके ये 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये जो आप 1 देख रहे हैं ये 1 नहीं है। ये क्या है? क्लोज टू 1 है। ये अब क्या है? क्लोज टू 1 है, 1 नहीं है। ओके सो जब ये हमारा जो बेस 1 नहीं है तो क्या होगा? यानी कि ये क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है 1.000001। ओके रेस्ट फॉर इन्फिनिटी। ओके सो अगर हम इसकी पावर 10 ले दें हमें क्या मिलेगा? आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, आपको मिलेगा 1.00001। ओके पावर इन्फिनिटी है, आप पावर कितनी भी ले सकते हैं। सो अगर मैं इसकी पावर 100 करूँ तो क्या मिलेगा? पावर 100 करिए 1.000001 रेस्ट पावर 100, तो आपको मिलेगा 1.0001। ओके अब पावर और बढ़ाइए। सो जब पावर बढ़ेंगे आपको मिलेगा 1.00001 की पावर मैंने बढ़ा दी, 1000 कर दी, तब हमें मिलेगा 1.001। आप फिर से पावर बढ़ाइए 1.000001 रेस्ट पावर 10,000, तब आपको मिल जाएगा 1.01। ओके अब आप और पावर बढ़ाइए, आप जो पावर बढ़ाएंगे आपको मिलेगा 1.000001 रेस्ट पावर 1,00,000 करिए। ओके सो आपको मिल जाएगा 2.71। अब देख रहे हैं ये 1 नहीं आ रहा, अब बढ़ता जाएगा। अब एक बार और जब पावर बढ़ाएंगे आप देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आती है। एक बार और पावर बढ़ाते हैं सो 1.000001 रेस्ट पावर 10,00,000 1.000000। ओके सो आपको मिल जाएगा 2.2026.35। ओके सो आप देख रहे हैं कि हमारी जैसे जैसे पावर बढ़ रही है हमारा वैल्यू बढ़ता जा रहा, 1 तो आ नहीं रहा। ओके आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है कि 1^n कैसे 1 को टेंड नहीं करता है। ओके देखने लगता है हमारा 1^n हमारा 1 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप समझ गए क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा बेस 1 है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है। कम भी हो सकता है 0.99 समथिंग, और ज़्यादा भी हो सकता है 1.000 समथिंग। जैसे आप पावर इन्फिनाइट करेंगे वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक और बात आपसे बता दूं, मैं कहना चाहूँगा आप अभी 12th करके BSc में आए हैं, तो मैं आप लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि आप BSc को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप अभी से नियमित रूप से पढ़ना चालू कर दें, वरना एग्ज़ाम टाइम में एक साथ पूरा सिलेबस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और ख़ास बात मैं आपको इस चैनल की बता दूं, अगर आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ओके चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।